वेलकम टू डे नंबर 4। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। आज हम पोस्टर का मेकअप करेंगे, उसको खूबसूरत बनाएंगे। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है, मैं जो सारे वीडियोज़ हैं मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब वर्टिकल वीडियोस को हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं होने देता है। जब मैं अच्छे वीडियो अपलोड करता हूँ ऐसा फॉन्ट कभी यूज़ नहीं करना, ये तब अच्छा नहीं थोड़ा, दिखता है, आप लोग देख पढ़ ही रहे नहीं हो, पाएंगे वीडियो आपके ब्लर पोस्ट। दिख रहा है और इसकी ऐसा क्वालिटी एकदम टू मतलब फोर्टी नहीं पी यूज़ करना, मैक्सिमम। थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, बोल्ड चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इसे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाए, तो आप हाई क्वालिटी वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे थोड़ा सा ख़राब दिखेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट और इमेज ऐड किया था, इस बार हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे उसे। तो जैसे ही आप फ्लायर मेकर ऑन करते हो, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। तो लास्ट टाइम हमने जो पोस्टर बनाया था, जिसमें एक इमेज और थोड़ा सा टेक्स्ट डाला था, वो हमको यहाँ पे माय डिज़ाइन में मिलता है, नीचे राइट हैंड कॉर्नर में। मैं माय डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे जितने भी डिज़ाइन मैंने बनाए हैं आज तक, वो सारे डिज़ाइन आपको यहाँ दिख जाएंगे, यहाँ पर सेव रहते हैं, आप कभी भी उसे एडिट कर सकते हो। तो हमने कल ये डिज़ाइन बनाए थे, हाँ ये हमारा फाइनल था। अब हमको इसके आगे का एडिटिंग करना है, तो इसके लिए सेम फाइल का कभी भी एडिटिंग मत करो, इसका डुप्लीकेट बना के रख लो, डुप्लीकेट पे एडिटिंग करो, ये सोर्स फाइल रहेगा। तो ये थ्री डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब इसका डुप्लीकेट यहाँ टॉप पर आ गया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट आया, ओके क्लोज, एडिट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको फिर से एडिट कर सकता हूँ, मैं जैसा भी एडिट करना चाहूँ। तो एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग ऐसा कोई बहुत एडवांस नहीं है, बस हमको टेक्स्ट को सिंपल बनाना है। जैसे मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप लिखा हुआ है ना, बहुत मोनोटोनस लग रहा है, तो इसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे। तो देखो मैं इस पर ऐसे क्लिक किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक टेक्स्ट बना देता हूँ। तो इस पर क्लिक किया और इसको कॉपी करके और एक टेक्स्ट बना लिया। अब फर्स्ट टेक्स्ट में डबल क्लिक करके ब्रेथ वर्कशॉप को हटा देता हूँ, ओनली मेडिटेशन रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सेट है। अब सेकंड टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, ब्रेथ मेडिटेशन को हटा देता हूँ, सिर्फ ब्रेथ वर्कशॉप रहने देता हूँ, ओके। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम और इसके नीचे ले आते हैं। आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो जब हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड सेट करेंगे, तब हम कलर के ऊपर काम करेंगे। अभी ज़्यादा फोकस नहीं करते कलर पर, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंड लिख देते हैं, एंड लिखने के लिए ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंड टाइप कर देंगे, ओके। अब एंड का फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो, मेरे ख्याल से ये वाला एंड अच्छा रहेगा इसको, क्योंकि ये बहुत छोटा टेक्स्ट है तो इसको आप उंगली से मूव नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नीचे ऑप्शन में जाके एडिट पर क्लिक करें और ये एरोज आ जाएंगे जॉयस्टिक की तरह, इससे आप इसको मूव कर दो। एंड का साइज़ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा करने के लिए नीचे साइज़ पर क्लिक करके ओके। इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मेरा बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आप टेक्स्ट को मोनोटोनस मत रखो, फॉन्ट चेंज करो, साइज चेंज करो। जैसे ऑनलाइन मिसिंग है तो यहाँ ऑनलाइन में डाल देता हूँ, ऑनलाइन लिख दिया मैंने। अब ये ऑनलाइन को ले जाके मैं मेडिटेशन के ऊपर सेट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देता हूँ और इसके फॉन्ट्स भी ये वाले रख देता हूँ, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली हमको वही फॉन्ट यूज़ करने हैं जो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। और साइज़ बहुत बड़ा मत रखो आपके टेक्स्ट का, नहीं तो आपका पूरा पोस्टर आपके टेक्स्ट से ही कवर हो जाएगा। अगर टेक्स्ट का साइज़ छोटा रहता है ना, फिर भी वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और हमको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है कि डेट, टाइम, कॉन्टैक्ट नंबर,
तो वो सब आप ये प्रोसेस फॉलो करके आप डाल सकते हो। वही प्रोसेस, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे, जैसे कॉल फॉर क्वेरीज एंड रजिस्ट्रेशन ऐसा फुल भी लिख सकते हो, 8668487 36 86249 6 9 5। तो आप टेक्स्ट लिखते हो, सेंटर में आ जाता है, उसको नीचे ले आओ। अब ये नंबर है ना, इसको इतना बड़ा मत करो, इसको छोटा ही रहने दो, इतना अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा बड़ा करोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके साथ रजिस्ट्रेशन लिंक भी डाल सकते हैं ना, तो रजिस्टर रजिस्टर आपको डालना है, डालो, नहीं तो HTTPS, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है वो यहाँ पे टाइप कर दो या फिर कॉपी पेस्ट कर दो, हो जाएगा। तो ये देखो सिंपल लग रहा है, सिंपल और सोबर ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको ज़्यादा आप बड़ा करोगे, बहुत अलग अलग फॉन्ट डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे ये फॉन्ट में ख़राब हो जाएगा। एक सिंपल फॉन्ट उसका मैं सेट कर देता हूँ, बेस्ट। कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से डेट और टाइमिंग भी डाल देंगे, 26 2 30 अगस्त। इसको कहाँ रुकूँ मैं, यहाँ पे रुकूँ, यहाँ पे रुकूँ, यहाँ पे रुकूँ? मेरे को लगता है यहाँ पे ठीक रहेगा, थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए डेट वगैरह, इसको ऊपर मत लिखो। और डेट के नीचे इसको कॉपी कर लेता हूँ, डबल डेट के नीचे टाइम डाल देता हूँ। बैच वन दो बैच है हमारी, तो 6 to 8 AM एंड बैच टू 6 to 8 PM। अब देखो नीचे वो भी लिख दो, चूज एनी वन बैच करके, ये सारी डिटेल्स आपको डालना है, ये टेक्स्ट एडिटिंग का हिस्सा है। और जैसे इसका साइज बहुत बड़ा हो गया ना, तो इसको छोटा कर देते हैं और इसको इसके सीध में ले आते हैं। मैं आपको बस बता रहा हूँ आपको इसको ब्यूटीफुल कैसे बनाना है, ठीक है? हो गया, इसको बड़ा करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऊपर जो डेट का जो लाइन है उसके सीध में लाना है, तो मैं लेटर स्पेसिंग में आके थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ। तो देखो मैच हो गया बिल्कुल परफेक्टली। तो ऐसे इसको खूबसूरत बना सकते हैं, एक और टीचर का फोटो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी कुछ एडिट करके रखा है, अभी मैं डेमो में सब करूँगा तो काफ़ी समय जाएगा, आपको इसके लिए आधा एक घंटा लग सकता है। तो जो मैंने पहले से एडिट करके रखा है मैं आपको वो पोस्टर दिखा देता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ, पहले सेव करने के लिए ऊपर सेव पर मैं क्लिक करता हूँ, और HD ओरिजिनल कोई भी साइज़ में आप उसको सेव कर लो। मैं ओरिजिनल करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट आ गया, मैं बाहर निकल गया। यस ओके, तो मैंने पहले से ये एक पोस्टर बना कर रखा हुआ है। तो आप देख रहे हो कैसे मैंने फॉन्ट के लिए अलग अलग कलर यूज़ किए हुए हैं, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग फॉन्ट्स है। हाँ, यहाँ पे भी अलग अलग कलर है, अलग अलग फॉन्ट्स है, यहाँ पे जैसे बहुत छोटे फॉन्ट्स है। ये टीचर का पिक्चर हो गया, टीचर के पीछे पिक्चर के नीचे उनका नाम, यहाँ पे अलग फॉन्ट, यहाँ पे अलग फॉन्ट, ये अलग फॉन्ट है। ये जो टेक्स्ट है ये हमारा टैगलाइन है पोस्टर का। आप पोस्टर में कोई भी एक अच्छा लाइन यूज़ कर सकते हो, जैसे बूस्ट योर इम्यूनिटी है ना, ट्रेन योर ब्रेन, एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ योर माइंड एंड वॉशनेस ऑफ योर कॉन्शियसनेस, तो कुछ ऐसा लाइन रहता है तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। लेकिन आप देख रहे हो ये लाइन के नीचे एक सफ़ेद बैकग्राउंड है, तो ये मैंने कैसे डाला हम आगे देखेंगे। तो टेक्स्ट एडिटिंग का यही मेन हिस्सा है कि आप अलग अलग साइज़ के टेक्स्ट डालिए, कलर मैच कीजिए, अलग अलग कलर यूज़ कीजिए, वो दिखना खूबसूरत चाहिए, बहुत मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए, यही टेक्स्ट एडिटिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने टेम्पलेट्स डाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़े हैं, मैं कोशिश करता हूँ अपलोड कर पाऊँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।